बोर्ड का इम्तहान बरए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मजीद तलीम हासिल करें वालदे से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें रोजाना एक से दो घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की जरूरत नहीं होगी इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदे के अखराजात में बचत कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल की कोई फीस नहीं है आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे हर मजमून की मुकम्मल मुकमल तालीडियोज़ मौजूद हैं स्टूडेंट्स टूडेज़ इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द दूज ऑफ प्रापोजिशन के प्रापोजिशन के इस्तेमाल क्या हैं कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज ऑफ एट एंड इन ये दो प्रपोजिशन हैं एट और इन इन दोनों का इस्तेमाल हम देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं सबसे पहले इन का द प्रपोजिशन इन इज़ यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सम वन ऐट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इन जो है वो किसी भी शख्स की पर्टिकुलर पोजिशन को या लोकेशन को हम या फिर उसके टाइम को डिसकस करने के लिए यूज़ करते हैं और ऐट द प्रपोजिशन ऐट इज़ यूज टू इंडिकेट द अप्रोक्समिटी ऑफ नियरनेस ऑफ समथिंग किसी भी चीज़ की जो मतलब के उसके नज़दीक होने को या उसके करीब होने की जो चीज है उसको रिप्रेजेंट करता है एट के जरिए फॉर एग्जाम्पल एट नाइन ओ क्लॉक एट क्रिसमस एट नोन एट नाइट एट द वीकेंड एट डिनर एट द मोमेंट और इनका यूज कैसे होगा इन द इवनिंग इन द समर इन टू थाउजेंड फोर्टीन इन ऑगस्ट एंड इन थ्री आवर्स यहां पर एट और इन का सेंटेंस की फॉर्म में यूज बताया हुआ है फर्स्ट वन एट का ही इज गुड At singing. I will meet you at nine PM. I will see them at Christmas. There were hundreds of people at the park. Look at that man. I laughed at this chalk. When did you arrive at airport? She smiled at me, call me 1 a.m. at home. She's always visit she always visits her sister at work. In case sentences may use Kasoga the student stood in a circle. We live in Rome. I live to like to travel in the spring. Uh, Sam was born in nineteen ninety five. I'll be there in couple of hours. The pen is in the drawer. Do you work in the of in an office? John is in the garden. I am currently staying in a hotel. He is good in bed. Use of on and upon. ये कुछ और वर्ड्स हैं ऑन और अपन इनका यूज़ कैसे करेंगे हम ऑन एंड अपन आर प्रपोजिशन डेट कन्वे सेम मीनिंग एंड कैन बी यूज इंटरचेंजेबली ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं और तब्दील होकर ये एक दूसरे के साथ बदल कर भी यूज़ हो सकते हैं हाउ एवर अपन मेक अ सेंटेंस लुक मोर फॉर्मल दैन ऑन अपन जो है ये फॉर्मल सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है या सेंटेंस को ज़्यादा फॉर्मल में दिखाने के लिए अपन का वर्ड यूज किया जाता है देयर आर वेयर ओनली अपन इज यूज टू एम्फोसाइज द मीनिंग यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन का वर्ड यूज़ किया जाता है सेंटेंस uh, उसके मीनिंग को एम्फोसाइज करने के लिए या समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ही डिपेंड्स अपन हिज फादर फॉर सपोर्ट इन हिज स्टडीज

यूज़ ऑफ़ इन एंड इन टू इन दोनों का यूज़ कैसे होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कैन इन कैन एक्ट एज आ प्रपोजिशन एडवर्ब एडजटिव एंड एन अ नाउन हाँ जी इन जो है वो प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ होता है एडवर्ब के तौर पर एडजिकटिव के तौर पर और नाउन के तौर पर और इन टू कैन ओनली एक्ट एज आ प्रपोजिशन और इन टू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ होता है इन जो है वो यूज़ टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ सम थिंग अ टाइम पीरियड अ पार्ट ऑफ समथिंग अ मेंटल और फिजिकल कंडीशन ऑफ समथिंग और सम वन हाँ जी इन जो है वो किसी भी शख्स की पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है उसकी मेंटल या फिजिकल कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा होता है और इन जो है वो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन और मोमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का आ, एक्शन उसकी हरकत उसकी मूवमेंट या फिर उसकी तब्दीली जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था कौन इन टू ठीक है नेक्स्ट हम इसकी थोड़ा सा दोबारा आगे देख लेते हैं वेन आर स्पीकिंग इट डजेंट मैटर इफ यू डोंट द डिफरेंस डोंट नो द डिफरेंस बिकॉज नो बडी विल एवर नोटिस डेट यू सेट आर राइटिंग हाअर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो डेट दिस टू आंट इंटरचेंजेबल एंड दे देट दे एक्चुअली आर वेरी डिफरेंट हाँ जी जब हम बोल रहे होते हैं तो ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता कि क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं या किस तरीके से लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका यूज़ इन टू और इन टू का तो कैसे देखें इन टू जो कि इकट्ठा है ये प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ होता है और मूवमेंट इन साइड और ये सारी चीज़ें जो हैं मूवमेंट uh, के लिए यूज़ किया जाता है उसकी रिप्रजेंटेशन कराता है और इन और टू जब अलहदा uh, होगा तो ये कंबाइंड फ्रेज नहीं है ये दीज आर जस्ट टू वर्ड्स दैट समथिंग फाइंड स्टैंडिंग साइड बाई इन हाँ जी ये कोई भी ऐसी फ्रेज है जो कि दो वर्ड्स हैं जो के दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट किए जाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम शी टर्न इन टू द ड्राइव वे और शी टर्न देपर इन टू द टीचर ये इनका यूज बताया गया यहाँ पर यूज ऑफ इन एंड इन इन और विद इन का क्या यूज़ है इन का जैसा हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं प्रपोजिशन इन डिस्क्राइब द हाँ जी ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है या डिस्क्राइब करती है ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और एन इंडिविजुअल किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी शख्स की पोजीशन को या लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है और विद इन का जो वर्ड है ये ऐसी प्रपोजिशन है विच विद इन कन्वेज द सेंस ऑफ वेल इन साइड हाँ जी ये ज़्यादातर इन साइड के मीनिंग में इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है इन साइड के तौर पर यहाँ पर हम इनके मुख्तेशन से इनके यूज देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टू का क्या यूज होगा आई यूज टू गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग ही विल लीव फॉर यू एस ए टू मिड नाइट फॉर का यूज आ गया नाउ आई एम एट शिकागो एट आ गया बिग ब्रदर विल कम ऑन फ्राइडे ऑन वी ईट टमेटोज ऑफ आर ऑन गार्डन ग्रोइंग ऑफ आ गया आई ऑलवेज गो टू कॉलेज विद माई फ्रेंड विद आ गया इसके अलावा यहाँ पर डैट इज़ वॉज अबाउट एवन ओ क्लॉक नेक्स्ट यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग इन दो वर्ड्स का क्या डिफरेंस होगा या क्या इनका यूज़ है बिटवीन जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दो चीज़ों के लिए यानी कि दो चीज़ों में जब डिफरेंस हम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बिटवीन और अमंग जो होता है वो तीन या तीन से ज्यादा चीज़ों के अंदर डिफरेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल बिटवीन देख लेते हैं दे आर बिल्डिंग अ न्यू रोड बिटवीन मानचेस्टर एंड शेफल्ड देखिए मानचेस्टर और शेफल्ड दो चीज़ों के दरम्या में डिफरेंस करना था इसलिए हमने क्या यूज़ किया बिटवीन और अगर हमने तीन या तीन से ज़्यादा के दरम्यान में करना हो तो अमंग फॉर एग्जाम्पल डैट ओल्ड टेम्पल इज़ हिडन अमंग ट्रीज अब हमें नहीं पता कि ट्रीज की तादाद कितनी है वो तीन भी हो सकती है चार भी हो सकती है उससे ज्यादा भी हो सकती है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे अमंग समाइम बिटवीन इज यूज विद मोर देन टू थिंग्स कभी कभी बिटवीन जो है वो दो चीज़ों ज्यादा के दरमियान यूज होते हैं और अमंग का यूज़ कब होता है जब किसी भी पार्ट ऑफ़ ग्रुप के बारे में बात की जा रही हो यानी कि ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट करें या फिर हम स्पेसिफिकली उनको नेम ना दें तो उसके लिए हम उमंग का वर्ड यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि ग्रुप के अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं यूज़ ऑफ बाय एंड अनटिल

वी यूज बाई टू टॉक अबाउट अ डेड लाइन वेन समथिंग बिफोर डैट टाइम हाँ जी किसी भी डेड लाइन के लिए या ख़त्म होने के लिए वक्त के ख़त्म होने का जो इजहार है वो हम बाय से करते हैं फॉर एग्जाम्पल बाय बाय नेक्स्ट वीक बाय सिक्स बायस क्लॉक अंटिल बाय और टिल इनका यूज़ देख लेते हैं बाई ई यूज टू टॉक अबाउट अ डेड लाइन

एंड ऑफ ब्लॉक ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई विल भी टेकिंग केयर ऑफ माई लिटल सिस्टर अंटिल माई पेरेंट्स कम बैक होम जब तक मेरे वालदेन घर नहीं आते मैं तब तक अपने सिस्टर की केयर करूँगा जॉन वॉज सो टायर्ड डेट शी स्लैप टिल नोन ठीक है ये सारे इसके यूज़ हैं नेक्स्ट बटा कंजंक्शन कन्जंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज एंड सेंटेंदर कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी फ्रेज को क्लॉज को सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एंड बट फॉर एज अल्सो हाव एवर हैंस ये तमाम वर्ड जो हैं ये कंजंक्शन को रिप्रजेंट करते हैं नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कंज़ंक्शन की यहाँ पर तीन टाइप्स बताई गई हैं कोऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शन और को रेलेटिव कंज़ंक्शन एग्जाम्पल्स दी गई हैं कोऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शन के अंदर फॉर एंड नीदर बट और यस सो ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इनको हम फैन बॉयज़ जो है इनके नाम से याद कर सकते हैं इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर को फॉर के लिए एफ़ एंड के लिए ए नीदर के लिए एन इस तरीके से

a man's world consisted of his own village and one or two neighbor neighboring villages it was difficult for him to know that uh, what was going on in the other parts of the country but today the press assisted by rapid means of communication bring us news from the farthest corner of the globe the press is uh, also responsible for educating public opinion the laws of a nation are really shaped by its press in fact, the public receives guidance from the newspaper. thus, their power in modern times is really great. student, there are some questions related to the passage. we have to answer these questions from this passage. first one, what good do the newspaper do for us? so the answer is newspapers keep us in touch with the whole of mankind. second, why in olden days uh, man could not know what was going on in far off places. So the answer is, in olden days, uh, man could not know what was taking place at distant places for want of means of communication and newspapers. Third one, what is the responsibility of the press today? So the answer is, today the press is responsible for educating the public opinion. Fourth one how are the laws of a country shaped nowadays so the answer is newspapers play a great part in shaping the laws of a country fifth what is your opinion about the powers of press so the answer is press has great powers next passage about 60 years ago the question of choosing a profession was not taken up seriously a son generally followed the trade of his father but nowadays one can take take up a trade one likes. Students who make the right choice of profession are always successful. For the right choice of profession, there should be some definite aim. The students who do not have any definite aim and suffer a lot in the end as they have also a difficulty in finding an employment. In choosing a profession, the teacher and the parents play a very important part. The teacher keeps an eye on his pupils. Uh, his, uh, he studies their habits so he can put his pupils on the right path of life student there are some questions related to this passage we have to answer these questions about the paragraphs or passage first one what were the conditions about the choice of a profession uh, 60 years ago so the answer is people were not serious about the choice of a profession 60 years ago why did the people not choose the profession seriously so the answer is the people did not choose the profession seriously because their children generally followed their trade third one can a student of the present time choose his profession freely so the answer is yes a student of the present time can choose his profession freely what is the advantage of a right choice of a profession so the answer is achievement of success is the advantage of right choice of a profession fifth one how can a student choose his profession t rightly? So the answer is a student can choose his profession rightly when he has something some definite aim before him. Next one is story writing. So to the, today's story is haste makes waste. A hunter had a beautiful hound who always went hunting with him the faithful dog was a thick friend of the hunter's only son who loved to play with the dog the master also loved the hound for its friendship with the young son who was only 10 years old the master of the house had no one else in the house एक दफा का जिक्र है कि एक शिकारी के पास एक खूबसूरत शिकारी कुत्ता था वो हमेशा शिकार के लिए उसको अपने साथ लेकर जाता था उसका उस कुत्ते से बहुत गहरा और वफादारी का ताल्लुक था और उसका उसका बेटा जो है वो हमेशा उसके साथ खेलता था जो आ, शिकारी का बेटा जो है वो दस साल का था और वो उसकी उस शिकारी कुत्ते से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी उस शिकारी के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था वन डे एक दिन द हंटर वेंट ऑन हंटिंग बट फॉर गॉड टू टेक द हाउंड विद हिम हिज सन स्टिल स्लीप इन हिज बैड एक दफा शिकारी जो है वो शिकार पर चला गया और अपने शिकारी कुत्ते को साथ ले जाना भूल गया उसका बेटा forest, जैसे ही वो जंगल के किनारे पर पहुंचा उसको तो याद आया कि वो अपने शिकारी कुत्ते को साथ लाना भूल चुका है ही ब्रिंग द हाउंड उसने वापस जाने का फैसला किया और शिकारी कुत्ते को साथ ले जाने के लिए गया

किल द डॉग उसने अपनी तलवार निकाली और शिकारी कुत्ते को मार दिया ही क्विकली वॉकड इनटू द हाउस एंड saw blood pools here and there वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसने खून के बहुत ज्यादा निशान देखे यहाँ वहाँ। जस्ट देन ही saw his son coming out from the room That, और उसने फौरन देखा कि उसका बेटा कमरे से बाहर आया आ रहा है द बॉय टोल्ड हिज फादर हाउ अ वुल्फ हैड कम इनटू द हाउस एंड वाज अबाउट टू किल हिम व्हेन द हाउन्ड

सो मॉरल लेसन क्या है हेस्ट मेक्स वेस्ट कि जल्दबाजी जो है वो हमेशा इंसान को नुकसान पहुँचाती है या ख़राब कर देती है नेक्स्ट वन बेटा लेटर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज़ बर्थडे अपने फ्रेंड को आप लेटर लिखें उसकी बर्थडे पर उसको मुबारकबाद दें एग्जामिनेशन हॉल सिटी टी ए सी टाइम या डेट और फिर उसके बाद डेयर फ्रेंड ये एज इट इज़ आएगा मतलब कि ये सीक्वेंस जो है हर लेटर में तकरीबन ऐसे होता है How are you doing I am doing very well by the grace of Allah your letter was a source of great pleasure and I as I read through it I was transported back into the sweet memories of the past 15th instant is the day that gave me a sincere and loving friend like you I would like to felicitate you on your birthday which happened to be tomorrow it will be a day unbounded joy for you your parents are for your friends the birthday ceremony will certainly be colourful and exciting i am very sorry that i may not be able to participate in your birthday ceremony because i am awfully busy these days in preparing for the send up examination schedule to start tomorrow i am especially writing this letter to congratulate you on your birthday accept my heartiest greetings on your birthday you are no longer a child now how soon you have grown may you Continue to grow and make progress and see this day as many, time, as many as times as there are stars in the sky. I owe you a gift and you will get it when you come to Lahore. I was going to send it to you by post, but I was informed that you had planned to come to Lahore, so I decided that I should give it to you personally. I am waiting for you. Pay my respect to Aunt and Uncle. Wishing you the best. योर सेंसेरली एक्स वाई जी बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपनी फ्रेंड को बर्थडे की कंग्रेचुलेसन देने के लिए यानी कि मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले हाल चाल पूछने के बाद आप उसको अपना हाल चाल बताएंगे फिर उसके बाद अपनी पुरानी कोई मेमोरी का जिक्र करेंगे उसके साथ ठीक है फिर उसके बाद उसको उसकी मुबारकबाद देंगे सरमनी की और उसको अपनी ना आने की वजूहत बताएंगे कि मैं किस वजह से नहीं आ सका आ सकी और फिर उसके बाद उसको मतलब के उसे बात करेंगे कि अपने पास आने की कि जिस तरह यहाँ पर प्लान किया गया कि लाहौर आपने आना है तो तब मैं आपको आपका गिफ्ट दूंगा उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स को सलाम जैसे कि पे माई रिस्पेक्ट टू आंट एंड अंकल उसके बाद नीचे बेस्ट विशेज़ लिखने है और योर सिंसेरली ठीक है फ्रेंड्स के लिए सेंसेरली का वर्ड यूज़ किया जाता है और लास्ट पे एक्स वाई जी सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट और टूडेज टॉपिक आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी बेटा इसके अंदर हमने जितने भी ग्रामर पोर्शन किया है जितनी कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी लेटर आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है और उसके घर में होमवर्क के तौर तो पर प्रैक्टिस करनी है बच्चों अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगा रह सकें शुक्रिया